नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। आगरा के रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं तेंदुए ने पंजा मारकर एक युवक को घायल कर दिया। आगरा के थाना एतमादौला के सीतानगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ जंगल से सीतानगर में आ पहुंचा। तेंदुआ को देख लोगों में डर का माहौल बन गया और लोगों द्वारा वन विभाग और पुलिस को तेंदुआ आने की सूचना दी गई। लेकिन तब तक तेंदुए ने 15 वर्षीय किशोर पर हमला कर दिया, इससे वह घायल हो गया। उसके बाद तेंदुआ एक गोदाम में घुस गया। रेस्क्यू टीम ने कई घंटे की मेहनत के बाद तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। टीम तेंदुए को पिंजरे में पकड़कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सुबह से सीतानगर के लोग दहशत में थे, दोपहर बाद लोगों का डर खत्म हुआ। बता दें कि एतमादौला का सीतानगर क्षेत्र घनी बस्ती में आता है। मंगलवार सुबह यहां एक तेंदुआ आ गया जिसने 15 वर्षीय किशोर सुमित पर हमला कर दिया। तेंदुआ होने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें तेंदुआ एक घर से निकलकर बाहर दिख रहा है। गली में दौड़ लगाता हुआ तेंदुआ एक गोदाम के अंदर घुस गया। स्थानीय लोगों ने उस गोदाम के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। घनी बस्ती में लोगों को जब तेंदुआ होने की सूचना मिली तो दहशत में आ गए थे। महिलाओं ने घर के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। तेंदुए होने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और वन विभाग टीम को बुलाया। वन विभाग की टीम ने 2 बजे के करीब तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। गोदाम के अंदर जाल डालकर तेंदुए को पकड़ा गया। ताज नगरी में इससे पहले भी तेंदुए के आने की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ साल पहले न्यू आगरा क्षेत्र में एक तेंदुआ बंद पड़े मकान में घुसा था, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि चंबल के बीहड़ में इन दिनों तेंदुए का कुनबा बढ़ रहा है। भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि यमुना का किनारा भी पास है, यहाँ से भी तेंदुआ आ सकता है। मीडिया 100 न्यूज़ आगरा से। क्या घटना है? इस मामले में प्रशासन को कोई जानकारी दी आपने?